जंगल है ना, कहाँ पे क्या रहेगा पता चलेगा। नीचे में खाई है। सही बात है, और नीचे में खाई है। बात ये भी है, अपना रोड ट्रिप शुरू हो चुका है। Yo. और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आपको जल्द आगे जाके बताने वाले हैं, अभी नहीं बताएंगे भाई, आगे चलिए। और हमारे साथ दो लोग और हमारे भाई जाने वाले हैं, और वो लोग यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, तो अभी उन लोगों को जाके रिसीव करना है। और बहुत जबरदस्त चल रहा है भाई, मजा आ रहा है। एसी का जरूरत ही नहीं है क्या धीरे? एसी का जरूरत, बस मौसम सही रहे, मजा आ जाएगा। चलिए वीडियो में बने रहिए भाई, वीडियो बनने वाला है एक नंबर का ललन टॉप। चलिए चलते हैं आगे। नजारा देख रहे हो, लग रहा सूर्य भगवान से ही मैं अभी उठे ही है। हम लोग भी देख लिए, गुड मॉर्निंग कह दिए हैं, और अब चलते हैं आगे। तो पहला टोल टैक्स आ चुका है। अरे भाई मोबाइल गिर गया। अरे भाई ये तो डंटे नहीं है। अरे तब तो झूठ कहीं काट लेगा, टोल टैक्स फ्री है, तब भी काट लिया होगा। 1990s टच करते हो तो एक चीज ध्यान रखे कि आप हमेशा ग्लास अपना चढ़ा लिया करें भाई। जानते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है, बट आपका जो कार होता है ना, खासकर लो सीसी या फिर लो सेगमेंट वाले कार जो होते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अगर ग्लास नीचे करोगे तो ये एक तरह से आपको एक और एफर्ट लगाता है कि आपका कार आगे मतलब पुश हो, जो हवा इसको प्रेशर से रोकता है। ग्लास चढ़ा लें, उससे क्या होगा कि आपका कार में डिफरेंस आएगा आप जब चलाओगे तो। और अपने कार का भाई देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है इस ट्रिप पे। उम्मीद बहुत है भाई इससे, और ये मालूम है उम्मीद तोड़ेगा भी नहीं। देखिए हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है और धूप भी है। मतलब क्या, बारिश भी है, धूप भी है, सब है भाई। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हम लोग बख्तियारपुर, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दिखा रहा है, और वो लोग पहुंच चुका है। तो चलिए चलते हैं, और अभी हम लोग का वेट कर रहा है, तो हम लोग भी ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो फाइनली पहुँच चुके हैं भाई अपने भाई के पास, मतलब बख्तियारपुर, और वो लोग वहाँ पे चाय पी रहा है। अब हम लोग निकल चुके हैं बख्तियारपुर से, अपने भाइयों को ले लिया है, और अब चलते हैं आगे। और रास्ता अभी तो भाई बहुत पैची रोड है, और इसमें चार आदमी अभी हम लोग जा रहे हैं साथ में, तो गाड़ी का देखते हैं कैसा रिव्यू भी हो जाएगा एक तरीके से, कि कैसा रिस्पॉन्स किया कार। ऐसे 256 किलोमीटर और बचा है रांची, उसके बाद डिसाइड करते हैं आगे कहाँ चलना है। तो भाई ऐसा ट्रैफिक ही वाला रोड है, तो अभी इसमें दिखाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, तो कुछ वैसा वैसा मस्त रास्ता आता है, घाटी वाटी आता है, तो फिर आपको दिखाते हैं। और नज़ारा आपके सामने है, मौसम बहुत ज़बरदस्त किया हुआ है। ओहो हो, मज़ा आ रहा है। अभी तो और भी अच्छा अच्छा नज़ारा आगे मिलने वाला है आपको, तो भाई वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जल्दी आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नज़ारा बहुत प्यारा। तो जिन्होंने हॉन्टेड ग्रेवयार्ड का वीडियो देखा था, इसमें ये पीछे बैठा हुआ है गोल्डी और रोहित, ये दोनों थे, तो ये लोग भी साथ में भी हम लोग चल रहे हैं। हम लोग का सबका प्लान बना, चला जाए, चलते हैं, और फिर आज देखते हैं गोल्डी कहाँ का भूत पकड़ता है। मौसम एक नंबर किया हुआ है, आप देख सकते हो नज़ारा, एकदम हरियाली हरियाली है एकदम, और बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, और कहीं अच्छा जगह मिला रुक के चाय वाय पीते हैं फिर। और पहाड़ भी दिखने लगा हल्का हल्का, लगा छोटा छोटा पहाड़ सामने देख सकते हो आप। आ गए लोनावला हम लोग देसी। चलिए अभी चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। और ऐसा ही रास्ता है, और रास्ता कोई बढ़िया नहीं मिल रहा, वो कभी बढ़िया रास्ता मिले तो फिर आपको दिखाते हैं नज़ारा पीओवी का।
तो फाइनली ब्रेक लिए हैं, सामने चाय दुकान और बिस्किट खाते हैं भाई, चाय वाय पीते हैं। सामने अंकल बेच रहे हैं चाय भाई। झारखंड बॉर्डर ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, 10-15 किलोमीटर बचा हुआ है। बाढ़ ही बाढ़ आपको दिखेगा, मतलब बाढ़ का पानी, मतलब पानी है, बारिश इतना हुआ कि पूरा आप देख सकते हो। तो ये रहा अपना लेमन टी एक नंबर, और हल्का हल्का बारिश हो रहा है, मौसम नज़ारा एक नंबर। इसमें थोड़ा काला नमक दीजिए ना। 20 किलोमीटर और है भाई झारखंड यहाँ से, रांची यहाँ से 180 किलोमीटर बचा हुआ है, और अभी आराम से ही चल रहा है। देखो भाई गड्ढा के चलते किधर किधर से नहीं जाता है, और अभी तक तो भाई हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, चारों आदमी को किसी को कोई दिक्कत हुआ है भाई? कोई दिक्कत नहीं हुआ भाई, कंफर्टेबली आया सब। नज़ारा आपके सामने है, और क्या बताएं आपको, मज़ा आ रहा है, मौसम हमारा साथ दे रहा है। रांची 194 किलोमीटर है भाई अभी यहाँ से, भाई लग रहा है सिक्किम उक्किम में कहीं आए हुए यार, ऐसा नज़ारा सच बता रहे हैं। झारखंड में तीन ही चीज़ फेमस है, मतलब तीन चीज़ फेमस है, पहला है धोनी, दूसरा है लाल पानी, और तीसरा है लाल मिट्टी, और चौथा क्या है भाई अगर आप बता सकते हो तो बता दो। झुमरी तलैया के आसपास अभी हम लोग हैं, और बहुत प्यारा जगह है झुमरी तलैया। ये रोड पे ना अभी तक नहीं भी तो हम चार ट्रक का एक्सीडेंट देख चुके हैं, जो पूरा पलटा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है यहाँ पे, अभी तक चार देख चुके हैं। यही है जिलेबिया मोड़, आप देख लो, बहुत सारे लोग इसके बारे जानते हैं। पहले के नाम पे ये थोड़ा सा सेफ नहीं माना जाता था लोगों को आने में यहाँ पे, रात में तो खासकर अभी भी बहुत कम फैमिली वाले जाते हैं। क्या रोहित, लोगों के मन से ये वहम हटाना है भाई, हम लोग यही दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग होते हैं नक्सली का, ये है नक्सली का डर रहता है, ये रहता है वो रहता है, पहले के टाइम में मानते रहता था, बट अभी हम लोग यही दिखाना चाहते हैं आपको भाई ऐसा कुछ नहीं, आप लोग निकल सकते हो, घूम सकते हो, बस वहाँ पर सही तरीके से जाएँ और सही तरीके से आए, कुछ ज़्यादा नाटक ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भाई बोलते थे भाई हिली एरिया का वीडियो लाओ भाई, हिली एरिया का, तो सामने आपके भाई आप आज देख सकते हो, आपका भाई हिली एरिया का जो बोल रहा था, प्रॉमिस किया था, वो आज हम पूरा करते हैं। और भाई चार बंदे को भी बैठा के वीडियो बोलने वाले, आप देख सकते हो आज मैंने वो भी बना दिया। तो भाई ये मत बोलिएगा आपकी भाई आपने नहीं बनाया, तो भाई प्लीज अच्छा से बनाया भाई, ये नहीं कि कहीं पर भी तरीके से दिखाया आपको। कम्फर्ट के बारे में बात करें तो कम्फर्ट भी बहुत अच्छा है, जो अल्टो लवर नहीं उनको भी ये वीडियो पसंद आने वाला है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो यही प्रॉपर कोडरमा घाटी है, और यहाँ पे मतलब पहले के टाइम में क्या अभी भी होते हैं बट बहुत कम हो गए हैं भाई, बट लोगों के मन में ऐसा है कि भाई अभी भी छीना झपटी ऐसे नक्सली वाले यहाँ पे लोग मतलब यहाँ पे ऐसे रहते हैं, ये वो ऐसा। ये चीज़ तो हम लोग क्लियर करना चाहते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, आदमी आ सकता है, रात में दिक्कत होता है। नहीं जिलेबिया मोड़ है भाई, मोड़ ही ऐसा है कि आपको मोड़ना पड़ेगा और स्लो करना पड़ेगा उसके साथ, उसी बीच में कुछ भी भाई, सही बात है, जंगल है ना, क्या रहेगा आदमी को पता चलेगा, नीचे में खाई है, सही बात है, और नीचे में खाई है, बात ये भी है। हम लोग पहुँच चुके हैं कोडरमा, और हमें जाना है रांची, तो हमें सीधा जाना होगा। यहाँ कोडरमा का भी एक मिठाई बहुत फेमस है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिएगा कौन सा मिठाई है, वो येलो कलर का रहता है, याद नहीं आ रहा भाई। अभी लिट्टी खा रहे हैं, लिट्टी कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, लिट्टी ही कहेंगे, कचौड़ी है, मम्मी बना दी थी सुबह में ही, बोले कि भाई लेते जाना, तो भाई सुबह सुबह मम्मी बना के पैक की है, तो एक मम्मी के लाइक बनता है, और भाई टेस्टी एक नंबर है, चाय मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा, कचौड़ी और सुहाना मौसम का कॉम्बिनेशन भाई। एक लिट्टी सोचे थे भाई हम लोग खाएंगे एक एक लिट्टी, पर सब तीन तीन लिट्टी हम लोग फेल दिए है, और भाई लग रहा है और खाते जाए, मज़ा आ रहा है, टेस्टी है भाई, बहुत अच्छा बना है मम्मी बनाई है। और भाई नज़ारा देखे, स्विट्जरलैंड को फेल कर देने वाला ये नज़ारा आपके सामने, झारखंड की खूबसूरती को देख ले आप, और क्या खूबसूरत लग रहा है, बस हल्का बारिश हो जाता साथ में तो और मज़ा आता। और भाई नज़ारा देखे, ये है भाई झारखंड का खूबसूरती, ओ भाई साहब, कार भी एकदम साफ हो गया है, फोटो शूट हो रहा है अपना थोड़ा मोरा, सबका एक एक करके बारी बारी हो रहा है, तभी मेरा नंबर आया है। अरे तिलैया डैम, क्या आगे ना, आगे आगे है, ये बड़ी एरिया में ही है। और ये रहा तिलैया डैम, गजब लग रहा है नजारा, प्यारा प्यारा लगता है, रास्ता वास्ता बनाया जा रहा है या कि पता नहीं भाई, काटा गया है, लैंडस्लाइड हुआ है, क्या हुआ पता नहीं, उसके चलते बहुत लंबा ट्रैफिक लग गया है, और पीछे आप देख सकते हो कितना लंबा ट्रैफिक है।
हम लोग हजारीबाग पहुंच चुके हैं। मौसम भी जैसे का तैसा ही है, मतलब मौसम सुहाना किए हुए है और मजा आ रहा है। यहाँ से रांची 100 किलोमीटर बचा, अराउंड 110 है और बारिश हो रहा, तो भाई हम आराम से ही चल रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा बारिश हो रखा है और टायर का इसका ग्रिप का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम कार को आराम से ही चला रहे हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो भाई बहुत मेहनत लगा है, तो भाई चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चलते हैं, अचानक बहुत तेज हो गया पानी, मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आ रहा, यही है भाई झारखंड, जोहार जोहार, मजा आ रहा है। तो भाई क्या नजारा है, रांची यहाँ से 53 किलोमीटर बचा हुआ है, मतलब 1 घंटे का रास्ता और है। चार आदमी बैठा के बहुत बड़ा बात बहुत होता है भाई। बात होता है भाई। 120 का भाई कांस्टेंट स्पीड रख रहा था ये कार। चार आदमी लगेज के साथ भाई मजाक नहीं है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए भाई, इस कार के लिए इतना सफिशिएंट है। और ऑलमोस्ट हम लोग का भाई 30 किलोमीटर बचा हुआ है रांची, यहाँ से लास्ट टोल आने वाला है। 2-3 टोल टोटल आया पटना से हम लोग को यहाँ तक में, और ये तीसरा टोल है। रांची शहर में आपका स्वागत है। तो भाई बच्चे लोग से पूछ रहे कि रास्ता बहुत दलदल वाला है, तो इधर से जाना भाई। हाँ। इधर से नहीं जाए, ठीक है भाई मोड़। ये क्या कैमरा है बाबू, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ रास्ता बीच में मिल गया हम लोग के लोकेशन में जहाँ रुकना था, और बच्चे लोग भाई देख सकते हो पूरा खेल रहा है कूद रहा है इधर। बाबू ठीक है रास्ता, हाँ, ठीक है। ये वाला तो फाइनली अपने लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग, जहाँ हम लोग आज स्टे करने वाले हैं। वीडियो को यहाँ पेंड करते हैं और मिलते हैं आपसे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।